इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दरअसल वायनाड की स्थिति को लेकर उन्होंने चर्चा की। वायनाड में आ रही प्राकृतिक आपदाओं पर उन्होंने बात की है। जानकारी के अनुसार मुलाकात करीबन 10 मिनट तक चली और इस दौरान वायनाड के लिए प्रियंका ने विशेष पैकेज की भी मांग की है। उन्होंने 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता की मांग की है। मैं आपको बता दें कि हाल ही में वायनाड से चुनाव जीती हैं प्रियंका गांधी और उन्हें लगभग 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिली है। इस मुलाकात के बाद प्रियंका ने क्या कुछ कहा है आप वो भी सुनिए। हमने जो वहाँ की स्थिति है उससे अवगत किया है, उन्हें बताया है कि वहाँ पे किस तरह से जो हुआ क्या क्या हुआ है और किस तरह से लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए, क्योंकि जो नदी है उसकी धारा ही बदल गई तो पूरा पहाड़ चले गया उसके साथ। तो यहाँ तक कि एक फोकस्ड एरिया में है नेचुरल डिजास्टर, लेकिन उसका जो इफेक्ट है बहुत ही ज्यादा है और लोग पूरी तरह से, उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा। लोगों के परिवार, लोगों के घर, उनके बिजनेसेस, पाठशालाएं, जो भी था सब बह गया है। तो इस परिस्थिति में अगर केंद्र सरकार कुछ न करे तो लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो हमने अपील ये भी की कि राजनीति को परे करके जो मानवता के तहत, मानवता के आधार पर जो हुआ है वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को मदद की जाए। मैंने ये भी जिक्र की कि मोदी जी गए थे और वो मिले पीड़ितों से, और जब मैं उन पीड़ितों से मिली उनकी एक उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आए हैं कुछ मदद मिलेगी, और अभी तक कुछ मदद नहीं मिली है। ये दुख की बात है और मैंने सिर्फ ये अपील किया है कि राजनीति को परे करते हुए जितनी मदद कर पाए करें।